हेलो बीवर, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोरगम के कुछ पेस्ट हैं, जिसमें से सोरगम में बहुत सारे पेस्ट हैं। तो हम दो दो पेस्ट का लेक्चर सीरीज है इसमें, जिसमें डिवाइडेड किया हुआ है कि दो पेस्ट है, फिर दो पेस्ट है, फिर दो पेस्ट है। इस तरीके से इसमें जो सोरगम के पेस्ट हैं उनको डिवाइड किया हुआ है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है सोरगम सूट फ्लाई, और इसका साइंटिफिक नेम है एथेरिगोना सोकाटा, जो म्यूसिडी फैमिली से है और डिप्टेरा आर्डर से है। म्यूसिडी फैमिली है, और ये एक ऐसी फैमिली है म्यूसिडी जिसमें जो हाउस फ्लाई आती है, हाउस फ्लाई इसी फैमिली से आती है, और डिप्टेरा आर्डर है डिप्टेरा आर्डर से। तो है डिस्ट्रीब्यूशन जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका रीजन से ये ज़्यादातर इसका अटैक देखने को मिलता है सोरगम सूट फ्लाई का। इसका होस्ट रेंज है मेज है, रागी है, बाजरा, राइस, व्हीट एंड कुछ ग्रासेस है जैसे नेपियर ग्रास हो गया, और कुछ जो ग्रेमनी कुल की जो भी ग्रासेस होती हैं उन सभी में इसका अटैक देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए तो इसका मेज है सोरगम भी है, सोरगम इसका मेजर होस्ट है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अटैक इसका देखने को मिलता है। डैमेज सिम्टम्स, मैगाटॉन हैचिंग माइग्रेट टू द अपर सरफेस ऑफ लीफ। जो लीफ होती है, ये लीफ है, और ये लीफ की जो अपर सरफेस होती है जिसको डॉर्सल सरफेस बोलते हैं, सॉरी वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस पर इसका जो एग है वहाँ पर इसका हैचिंग होता है, और हैचिंग होने के बाद इसका जो मैगेट है, मैगेट यहाँ पर लीफ पर माइग्रेट कर जाता है, और इसके बाद धीरे धीरे लीफ सेथ पर जाता है। लीफ सेथ क्या होता है, आप कोई सा भी प्लांट देखें, ये प्लांट है आपका, और इस तरीके से इनमें लीफ निकला होता है प्लांट में, ठीक है। तो ये लीफ सेथ क्या होती है, ये यहाँ पर मैगेट है, और यहाँ पर आकर के इस जगह पर जब आ जाता है तो ये लीफ सेथ होता है जहाँ से लीफ डेवलप हो रहा होता है। तो उस जगह से ये लीफ डेवलप होता है जहाँ पर इसका जहाँ पर ये जा करके बैठ जाता है, और धीरे से ही इसी यही एक ऐसा प्लेस है जहाँ से ये इंटर कर जाता है, यहाँ से ये लीफ सेथ में आता है, और यहाँ से ये बोर करना शुरू कर देता है, और अंदर स्टेम में, इसके अंदर स्टेम में आ जाता है। आफ्टर देन रीचिंग द सॉइल लेवल, मैगट बोर इन साइड द स्टेम एंड कट ग्रोविंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग इन डेड हार्ट सिम्टम। देखिए, इसमें एक मेजर सिम्टम्स यही है कि जो चूंकि इसका जो नाम है वो सोरगम सूट बोरर है, तो सोरगम सूट बोरर है, इसका मतलब है कि ये जो न्यू डेवलप हो रहा होता है सूट है, यानी जो नया जो प्लांट होता है, इस प्लांट में सबसे ज़्यादा इसको अटैक देखने को मिलता है। तो अगर हम इस प्लांट की टोटल एज की बात करें तो लगभग 30 दिन तक, जब 30 दिन तक ये प्लांट होता है उस समय तक इसका अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसी समय तक इसमें ये जाता है जो न्यू सूट डेवलप हो रहा है, क्योंकि ये नया ब्रांच है और न्यू सूट डेवलप हो रहा होता है, और उसी के किनारे किनारे लीफ निकालता है। तो ये सूट क्या है, ग्रोविंग सूट होता है जो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये ग्रोविंग सूट चूंकि ये लीफ सेथ पर आया, और यहाँ पर जाकर के यहाँ पर इस स्टेम में आकर के इंटर कर जाता है, और इस इंटर करने के बाद इस जगह पर ये जाकर के वहाँ पर इसको कट कर देता है। तो जब इसको कट कर देता है तो जो न्यू सूट ग्रोथ कर रहा होता है वो यहाँ के कट कर देने के बाद ये क्या कर जाता है, ये सूखने लगता है, चूंकि ये सूट क्या हो जाएगा, ये सूट बिल्कुल यहाँ से जब कट कर दिया जाएगा तो ये पोर्शन इससे बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी नीचे वाले स्टेम से ऊपर वाला जो पोर्शन है सूट जो डेवलप हो रहा होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से अलग हो जाता है, ठीक। तो जब ये अलग हो जाता है और यहीं पर ये पड़ा रहता है, अलग होने का मतलब ये बिल्कुल टूट करके गिर नहीं जाता है, लेकिन ये क्या है, उसी में पड़ा रहता है, उसी प्लांट में ही पड़ा रहता है। तो और पड़ा रहता है, इसके बाद क्या है, ये जो सूट है ये क्या हो जाता है, सूखने लगता है, ठीक है, ये सूट सूखने लगता है। तो जब ये सूट सूखने लगता है तो वो क्या करता है, एक सिम्टम्स देता है जिसको डेड हार्ट का सिम्टम्स बोलते हैं, यानी डेड हार्ट, हार्ट का मतलब है एक तरीके से जो किसी भी प्लांट का अगर दिल ही कट जाएगा, दिल ही टूट जाएगा, तो वो क्या होगा कि पूरी तरीके से प्लांट ही सूख जाएगा। तो यानी उसका जो ग्रोविंग सूट है वो है उसका हार्ट है, और उसकी यानी किसी भी प्लांट की धड़कनें बंद हो जाएंगी तो इस जाहिर सी बात है वो प्लांट की डेड हो जाएगी।
तो ये इस तरीके से ये जो डेड हार्ट है, डेड हार्ट का सिम्टम्स देता है। और जो इन्फेस्टेड प्लांट होते हैं, यानी जिनमें इसका इन्फेक्ट होता है, वो क्या करता है, साइड टिलर देता है। यानी ये इसका क्या है, ये न्यू शूट सूख गया, इसका। तो जब न्यू शूट सूख जाता है, तो आप देखे होंगे कि प्लांट के अगल बगल छोटी छोटी शूट, न्यू शूट डेवलप हो रही होती है, छोटी छोटी शूट, इस तरीके की न्यू शूट डेवलप हो रही होती हैं। तो इस तरीके से वो क्या करता है, साइड टिलर्स देता है, ठीक है। तो ये उसका एक जनरली सिम्टम्स है, जो मेनली सिम्टम्स है वो डेड हार्ट का है, और दूसरा है उसका जो साइड टिलर देता है, ठीक है। तो ये साइड टिलर किसी किसी प्लांट में देता है और किसी किसी प्लांट में नहीं भी देता है, लेकिन मोस्टली जिन काफ़ी सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ये साइड टिलर देता है, ठीक। तो और ये जो अटैक है, सबसे ज़्यादा अगर आप देखने को मिलेगा तो समर टाइम पर, यानी खरीफ सीजन पर, जब ये इसका सीजन होता है जून और जुलाई, उसी समय सोरघम की सोविंग करते हैं। सोरघम की सोविंग वैसे जुलाई के आसपास, जुलाई के आसपास होती है, और उसी समय ये शूट डेवलप हो रहा है। तो एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, जो इसका डैमेज है, इसका डैमेज प्लांट के ग्रोथ के 30 दिन तक इसका सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका अटैक 30 दिनों तक ज़्यादातर इसका पहले के शुरुआत की, यानी जो पहले डेवलप हो रहा होता, ग्रो कर रहा होता प्लांट है, उस प्लांट के 30 दिनों तक इसका अटैक ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। ये चूंकि म्यूसिडी फैमिली से है, और म्यूसिडी फैमिली के बताया था मैंने कि म्यूसिडी फैमिली है, और म्यूसिडी फैमिली जो हाउस फ्लाई होती है उस तरी वो भी म्यूसिडी फैमिली से बिलोंग करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हाउस फ्लाई है हमारी, हाउस फ्लाई के बिल्कुल सिमिलर इसका स्ट्रक्चर, शेप और साइज, विंग्स और उसका जो कंपाउंड आई वगैरह है, वो सारा का सारा हमारी हाउस फ्लाई से मैच करता हुआ है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि ये उसका कुछ कैटरपिलर है जो इस टाइप का होता है, कुछ कैटरपिलर है, ये इसका कुछ ऐसे टाइप का इसका मैगट होता है, ये यानी इसके मैगट हैं, जिनके कैटरपिलर को मैगट बोलते हैं। ये जो डिप्टेरा आर्डर से बिलोंग करने वाले सारे के सारे कैटरपिलर को हम क्या बोलते हैं, मैगट बोलते हैं। तो ये उसके मैगट हैं जो डेवलप हो रहे होते हैं। इसके बाद बायोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इसका जो एडल्ट है, एडल्ट व्हाइटिश ग्रे फीमेल होती है, जो व्हाइटिश ग्रे फीमेल होती है, जो क्या करती है, ये जो लीफ होता है, लीफ के लोअर सरफेस पर जो लीफ होता है, जैसे हैंड पे देखिए, अगर आप हैंड को बिल्कुल सीधा करिए, तो हैंड का जो ऊपर का सरफेस हो गया वो क्या हो गया, अपर सरफेस हो गया, और नीचे का जो सरफेस हो गया तो वो क्या हो गया, लोअर सरफेस हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से लीफ होता है, तो लीफ का जो मिडरिप जो नीचे की तरफ होता है सबसे ज्यादा, तो वो क्या हो जाता है, लोअर सरफेस हो जाता है। तो लोअर सरफेस हो जाता है, उस लोअर सरफेस पर इसमें जो एग हैं वो सिगार शेप के एग मोस्टली यहाँ पर एग को एग्लेंग करता है, ठीक है। तो उसका जो सिगार शेप का एग है वो लोअर सरफेस पर, लीफ की लोअर सरफेस पर एग लेइंग करता है, और मोस्टली इसका जो एग है वो मॉर्निंग आवर पर सबसे ज़्यादा एग लेइंग होता है। एग व्हाइट कलर के और कुछ सिलेंड्रिकल शेप भी होते हैं, और कुछ फ्लैटन एग भी होते हैं, यानी ये कुछ इनमें काफ़ी इनके एग में काफ़ी सारा वेरिएशन होता है, जो व्हाइट सिलेंडर और कुछ फ्लैटन भी होते हैं, ठीक है। और इनका इनक्यूबेशन जो पीरियड है वो 2 से 3 दिन का होता है। इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जैसे हैचिंग हुआ, और हैचिंग होने के बाद क्या है कि इसका कैटरपिलर कुछ समय तक ऐसे ही बिना फीडिंग किए ही ये शांति से बैठा रहता है, और 2 से 3 दिन के बाद ही ये अपना अटैक करना शुरू करता है, ठीक है। तो इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब यही हो गया कि वो जैसे ही हैचिंग हुआ, हैचिंग के 2 से 3 दिन तक शांति से बैठा रहता है किसी भी जगह, इसके बाद ही चूंकि अपना होस्ट सर्च करता रहता है लेकिन वो फीडिंग नहीं करता है, इसके बाद 2 से 3 दिन के बाद ही अपना फीडिंग स्टार्ट करता है। तो ये इसको हम इनक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो मैगट है, मैगट इसका डर्टी व्हाइट कलर का होता है, और एपोडस होता है। एपोडस एपोडस का मतलब होता है, इसमें लेग अब्सेंट होते हैं। ए पॉडस पॉडस का मतलब होता है लेग, और ए का मतलब होता है अब्सेंट, यानी जिसमें लेग अब्सेंट होते हैं। तो वो ये ऐसे मैगट हैं जो इसका जो मैगट होता है उसमें लेग अब्सेंट होते हैं और डर्टी व्हाइट कलर का होता है, ठीक
ठीक है। और जैसे ही मेच्योर होने लगता है, ये एक स्टार्टिंग स्टेज है, इसके बाद जैसे ही मेच्योर होने लगता है इसका जो मैगट है वो येलो कलर का हो जाता है और लगभग 6 mm लंबा हो जाता है, ठीक है। और जो इसका लार्वल पीरियड है, लार्वल पीरियड 8 से 10 दिन का होता है और लगभग चार चार इंस्टार करता है अपने लार्वल के टाइम पे, 4 इंस्टार करता है। इंस्टार का मतलब समझते होंगे कि एक मोल्टिंग से दूसरा मोल्टिंग हुआ और इन दोनों मोल्टिंग के बीच के टाइम को फर्स्ट इंस्टार बोल दिए, ठीक है। तो इस तरीके से यानी 5 स्टार 5 इसका मोल्टिंग हुआ, यानी 4 उसका इंस्टार हुआ, ठीक है, यानी इसका 6 इंस्टार हुआ। तो ठीक है, इस तरीके से यानी ये 4 स्टार करता है। 4 स्टार करने के बाद ये अपना प्यूपल स्टेज में चला जाता है, ठीक है। अब जब ये प्यूपल स्टेज में जाता है तो इसका जो प्यूपा है वो सॉयल में ये जाता है और सॉयल में ही इसका प्यूपल स्टेज होता है, ठीक है। या तो फिर स्टेम में, चूंकि ये जो स्टेम को फीड करता है तो ये फीड करता है तो स्टेम के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ड्रिल करता है, एक इसकी खासियत ये होती है कि यहाँ से ये छेद करता है और छेद करने के बाद जब स्टेम में आता है तो स्टेम ये यहीं पर जा करके अपना प्यूपल स्टेज बनाता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर ये एडल्ट हो जाता है, एडल्ट होने के तुरंत बाद ही उसी रास्ते से ही जहाँ से ये इंटर करता है उसी रास्ते से ही ये बाहर चला जाता है, ये इसकी खासियत होती है। तो जिस रास्ते से ये इंटर करता है उसी रास्ते से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका जो प्यूपल स्टेज हुआ कहाँ हुआ, स्टेम में हुआ, मोस्टली स्टेम में हुआ। लेकिन कुछ ऐसा भी कैटरपिलर होता है, ऐसा भी मैगट होता है जो जो वहाँ से नीचे गिर जाता है, जो नीचे गिर जाता है तो वो क्या करता है, अपना मैगट स्टेज कहाँ करता है, सॉरी प्यूपल स्टेज कहाँ करता है, सॉइल पे करता है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखें तो 17 से 21 दिन की लाइफ साइकिल होती है, यानी इसका बहुत छोटा लाइफ साइकिल होता है, बहुत ही छोटा लाइफ साइकिल होता है। और हम अगर इसकी एक साल में बात करें तो एक साल में लगभग 14 से लेकर के 16 तक इसके लाइफ साइकिल हो, लाइफ साइकिल यानी एक साल में 14 से 16 अपनी जनरेशन एक साल में बना सकता है, ठीक है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है जो सबसे छोटा लाइफ साइकिल होता है। अगर सबसे छोटे का मतलब है कि इस तरीके से जो डिप्टेरा आर्डर में ये जो मैगट है, ये जो फ्लाई है, सूट फ्लाई है, सूट फ्लाई में सबसे छोटा आर्डर हो गया। तो अपन इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसका जो मैनेजमेंट है, कुछ रेसिस्टेंट वैरायटी हैं, CO फर्स्ट, SH15R और मालडंडी है और हगरी है। इस तरीके से इसमें बहुत सारा रेसिस्टेंट वैरायटी है। अगर ये वैरायटी हम लगाते हैं तो इसमें इसका अटैक देखने को नहीं मिलता है, ठीक। इसके बाद कुछ जो सोरघम है जिनमें इसका अटैक देखने को मिलता है, तो ये जो जैसे ही जो मानसून होता है, मानसून कम होने लगता है, उस समय इसके ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर इसका जो हायर सीड रेट, चूँकि इसमें क्या होता है हम बता दें, इसमें इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें जब भी हम इसकी फार्मिंग कल्टीवेशन करते हैं सोरघम का, तो हम क्या करते हैं, इसका सीड रेट हम मैक्सिमम कर देते हैं, यानी बहुत साथ बहुत ही ज़्यादा सीड रेट कर देते हैं। उसका कारण ये है कि चूँकि इसका जो अटैकिंग टाइम है वो 30 दिन तक होता है, शुरुआत के 30 दिन तक। तो इसका मतलब है कि ये क्या किया, अगर कुछ इसमें इसके अटैक के कारण कुछ प्लांट मर जाते हैं, तो मर जाने के बाद, ऐसे प्लांट के मर जाने के बाद उसमें जब उस प्लांट को क्या करते हैं, हम रिमूव करके बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। और उसके जो प्लांट होते हैं जिनमें डैमेज हो जाता है, उनके रिमूव करके उस प्लांट को बाहर फेंक देते हैं। तो जब बाहर फेंक देते हैं तो इस तरीके से प्रोसेस क्या हो जाएगा, थिनिंग का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक, थिनिंग का प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे टाइप से क्या हो जाएगा कि आपका कुछ ऐसा प्लांट भी है जिसको आपने एक्स्ट्रा में है हमारा, और हमारा कुछ डैमेज हो गया, तो डैमेज प्लांट को उखाड़ देते हैं और हमारा इस कारण से हम थिनिंग का प्रोसेस कर लेते हैं तो हमारा वो कवर कर लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं, सीडलिंग थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, जब जो सीड रेट होता है, सीड रेट को हम ज़्यादा कर देते हैं। और ये जो भी प्लांट डेड प्लांट होते हैं या डेड हर्ट के जिसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो आसानी से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब उनकी थिनिंग करते हैं तो इन पे इनका जो 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 डेड हर्ट होता है, डेड हर्ट को क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, बाहर निकाल करके उनको फेंक देते हैं।
और इसमें क्या करते हैं, कुछ एक फिश मील ट्रैप लगाते हैं। फिश मील ट्रैप, फिश मील ट्रैप क्या होता है, मछली का हड्डी का चूरा होता है और जो बहुत ही आकर्षित होता है, ठीक है, बहुत ही आकर्षित होता है। तो जो इसको क्या करती हैं, जैसे ही ये फ्लाई इसको इसकी महक के कारण इसकी तरफ चली जाती हैं, जब इसकी तरफ महक के कारण इसकी तरफ चली जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हैंड पिकिंग करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो और है जैसे 100 किलोग्राम सीड है, 100 किलोग्राम सीड से क्लोरपाइरीफास 20 cc है, जो 400 ml में इसका हम क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी कुनालफॉस है 25 ec 400 ml, या इमिडाक्लोप्रिड है जो 48 fs 1.2 लीटर, और इमिडाक्लोप्रिड है जो 70 WS जो 1 किलोग्राम, और या थायोमेथोक्सम है जो 30 fs 1 लीटर को मिला करके पूरे 1 हेक्टेयर की डोज बना करके उसमें हम उसको स्प्रे कर देते हैं। फिर दूसरा इंसेक्ट है स्टेम्बोरर, साइंटिफिक नेम है चिलोपार्टेलस, और ये इसकी सेरेम्बिसाइडी फैमिली है, या इसकी पायरालिडी भी फैमिली होती है, और ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से है, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इराक, जापान और युगांडा, ताइवान, इस तरीके से बहुत सारे इसकी कंट्री हैं जहाँ पर इसका अटैक देखने को मिलता है। इसका होस्ट मेज, सोरघम, सुगर केन, बाजरा, राइस, सोरघम, इस तरीके से इसमें जो मिलेट क्रॉप होती है, मिलेट क्रॉप में ज़्यादातर इसका अटैक देखने को मिलता है, ठीक। डैमेज सिम्टम्स, डैमेज सिम्टम्स की बात करते हैं अपन। ये जो जैसे ही इनमें सोविंग हो जाती है, सोविंग के बाद इसका अटैक देखने को मिलता है। इसका अटैक तब तक देखने को मिलता है जब तक इसमें जो बाल होती है ना, जिसको ईयर हेड बोलते हैं, ईयर हेड बोलते हैं, जब तक बाल नहीं निकल आती, उसके बाल बाल निकलने के पहले तक इसका सिम्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है। यानी हमारा सूट फ्लाई क्या था, 30 दिन तक, शुरू के 30 दिन तक अटैक करता था। अब जैसे ही शुरू के 30 दिन हो गए, 30 दिन के अटैक करने के बाद इसमें ये जो इंसेक्ट है जिसको स्टेम बोरर बोलते हैं, स्टेम बोरर 30 दिन से स्टार्ट करता है, यानी 30 दिन के बाद, 30 दिन के बाद इसका अटैक स्टार्ट हो जाता है, यानी इसके 30 दिन के अटैक स्टार्ट हो जाता है। कब तक स्टार्ट, कब तक काम करता है, जब तक ईयर हेड निकल नहीं आते, जब तक ईयर हेड नहीं निकल आते, ठीक है। यानी 30 दिन से स्टार्ट करता है इसका डैमेज, और जब तक इसके ईयर हेड नहीं निकल आते तब तक ये अपना ये इन्फेक्शन करता रहता है, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, ये भी सेंट्रल, जो सेंट्रल सूट है, सेंट्रल सूट इसमें भी सूख जाता है, और जब इसका सेंट्रल सूट सूख जाता है तो ये भी डेड हार्ट के सिम्टम्स देता है, ठीक है। डेड हार्ट क्या होता है, डेड हार्ट जो एपिकल पोर्शन होता है, ग्रोविंग सूट होता है, ग्रोविंग सूट क्या हो जाता है, सूख जाता है, और सूख जाता है तो उसी को डेड हार्ट के सिम्टम्स बोलते हैं। डेड हार्ट को क्या करते हैं, हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, यानी थोड़ा सा उसको खींचेंगे तो तुरंत डेड हार्ट के कारण उसको बाहर निकल आ जाएगा। जितने से कट किया होता है सूट, उतने से वो बाहर आसानी से निकल आता है, ठीक। तो फिर इसका जो टिपिकल डैमेज है वो सेंट्रल सूट में जो डेड हार्ट है, डेड हार्ट के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये मेनली उसका डैमेज है। और अब कुछ जो नोड है, जो जहां से, चूंकि एक क्या करता है, ये लीफ सेथ है, ये लीफ सेथ है, लीफ सेथ यहाँ से आता है कैटरपिलर, और प्लांट में के स्टेम में यहाँ से लीफ सेथ से अंदर यहाँ पर इंटर करता है, ठीक है। अब ये इंटर करता है, इसके बाद क्या करता है, ये जो नोड होते हैं, जो नोड होते हैं प्लांट के या स्टेम में जो नोड बने होते हैं, प्रत्येक उसमें सोरघम की क्रॉप में नोड बने होते हैं, ठीक। तो ये नोड में क्या करता है, नोड के पास से ही ये यहाँ से छेद कर देता है, और छेद करता है, ठीक है, छेद करता है। छेद करने के बाद ये वहां से क्या करता है, वहां से ये निकल आता है, ठीक। छेद कर, जब जैसे ही ये अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वहां पर ही ये लार्वल स्टेज होती है, क्रावलिंग करता है, वहां पर फीडिंग करता है, फीडिंग करने के बाद वहीं पर ये बहुत सारे अपना जो प्यूपल स्टेज होता है वहीं पर करता है, प्यूपल स्टेज करने के बाद ही वहां से बाहर निकलता है। तो जब ये वहां से बाहर निकलता है, तो ये जब अंदर होता है तो अंदर से ही ये वहां से जाकर जाता है, और ये वहां से एक जो नोड है, नोड के पास ही क्या करता है, छेद करता है, और वहां से ही ये बाहर निकलता है।
और जो इसकी लीव्स होती हैं, ये लीव्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये काफ़ी सारी लीव्स फोल्ड होने लगती हैं, और इसकी लीव्स में जो इसका लीव्स होता है, इसकी लीव्स में आपको ये सर्कुलर पैच देखने को मिलेंगे, सर्कुलर पैच देखने को मिलेंगे। पैच क्या, ये जो लीव्स होती हैं, लीव्स में इस तरीके से ये कट किए रहता है, सर्कुलर शेप में इसका कट किए रहता है, ठीक है। तो इसमें इसको जो सर्कुलर सिम्टम्स हैं, ये इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसका जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर जब ये स्टेम के अंदर आ जाएगा, ये स्टेम के अंदर आ जाएगा, तो एक तरीके से वहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी रूट की जो ऊपर की 2 से 3 नोड होती हैं, रूट की ऊपर की 2 से 3 नोड तक ये क्या करता है, वहाँ तक ये एक तरीके का टनल बना लेता है, बिल्कुल टनल बना लेता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जब टनल बना लेगा, तो पूरा स्टेम क्या हो जाएगा, खोखला पड़ जाएगा, ठीक। तो जब ये पूरा का पूरा खोखला पड़ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ना कुछ वो सिम्टम्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये जिस तरह की मैंने बताया कि इसमें सर्कुलर पैच के सिम्टम्स देता है, ये सर्कुलर पैच बनाता है, ठीक है। और ये जो टनल मैंने बोला था कि टनल बनाता है, तो इस तरीके से ऊपर से लेकर के नीचे तक इस तरीके से इसमें टनल बनाता है, ठीक है। अब जो मैंने नोड के आसपास जो मैंने छेद बोला था कि एक छेद कर लेता है, देखिए यहाँ पर ऐसे टाइप के, यहाँ पर एक नोड है, नोड के पास इस टाइप के ये छेद कर लेता है, और ये इसका प्यूपल स्टेज होता है, जो स्टेम के अंदर ही इसका प्यूपल स्टेज होता है, इस टाइप का इसका प्यूपा रहता है, ठीक है। और इस तरीके से जब ये पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, जब आप उसके प्लांट को, जो खोखला प्लांट होता है या खोखला स्टेम होता है, जब आप उसको ओपन करोगे, तो इस तरीके का ये दिखाई देता है, और इस तरीके से ये एक लेंग करता है, ठीक है। तो अपन इसके बारे में बायोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं। तो इसका जो एडल्ट मोथ है, एडल्ट मोथ मीडियम साइज का होता है, जो स्ट्रा कलर का होता है, स्ट्रा कलर है मतलब जैसे पुआल शेप होता है, पुआल कलर का होता है, या सूखे हुए गेहूं, सूखे हुए धान के कलर का होता है, उसको स्ट्रा कलर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, 200 से 300 स्केल लाइक फ्लैट ओवल एग, जो बैच में, ये बैच में कुछ इसके बैच बनते हैं, लगभग 60 60 तक, 15 से 60 के आसपास इसके बैच रहते हैं। और ये क्या करता है, ये बैच बनाता है, और लीफ का जो सरफेस होता है, जो अपर सरफेस होता है लीफ का, यानी मिडरिप एरिया होता है, मिडरिप एरिया के पास, या ये लीफ हो गया, ये लीफ का ये मिडरिप हो गया, यहाँ पर ये इस तरीके से लगभग ये 60 तक अंडे एक बैच में रहते हैं, और ये बैच बनाता है, बैच बना करके लीफ जो मिड लीफ होती है, मिड रिप की लीफ के पास ही ये इस ये एक का लेंग करता है, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे ही हैचिंग होता है, हैचिंग होने के तुरंत बाद ही इसमें 2 से 5 दिन तक इसमें ये अटैक नहीं कर, फीडिंग नहीं करता है, इसके बाद ये फीडिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो लार्वा होता है, येलो ब्राउन कलर में बदल जाता है, और इसका ब्राउन कलर का हेड हो जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रोथेसेसिक शील्ड होता है, यानी जो थोरेक्स होता है, थोरेक्स में जो प्रोथोरेक्सिक रीजन होता है, उसको प्रोथेसेसिक शील्ड बोलते हैं, जो 25 mm का 25 mm लॉन्ग होता है। इसके बाद जो लार्वल पीरियड होता है, लार्वल पीरियड 28 से 50 दिन तक होता है, ठीक है, 28 से 50 दिन तक होता है, और लगभग 7 स्टार तक करता है, इसका स्टार ना काफ़ी लंबा हो जाता है, लगभग 7 स्टार करता है, और इसके बाद ही वो प्यूपल स्टेज में जाता है। याद रहे, प्यूपल स्टेज इसकी कभी कभी क्या होता है कि जो एडवर्स क्लाइमेट के कारण, जब या शीतकालीन बोलते हैं, शीतकालीन के कारण इसका जो प्यूपल स्टेज है बहुत लंबा चला जाता है, कभी कभी 150 दिन तक इसका प्यूपल स्टेज हो जाता है, ठीक। फिर इसके बाद जब उसको कंडीशन, क्लाइमेट बहुत अच्छा मिलेगा, तब जा करके वो फिर से वो उसी प्यूपल स्टेज से ही वो अपना एडल्ट बनना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी लाइफ साइकिल फिर से उसी जगह पर स्टार्ट कर देता है, प्यूपल से ही, और फिर एडल्ट बन जाता है। तो यानी डोरमेंसी पीरियड की बात करें, डोरमेंसी पीरियड इसका कभी कभी 150 दिन तक, 200 दिन तक इसका डोरमेंसी पीरियड चला जाता है, जिसके कारण ये डोरमेंसी स्टेज में ही, प्यूपल स्टेज में, डोरमेंसी स्टेज में ही काफ़ी दिनों तक रह सकता है, ठीक। तो इसका जो एमर्जिंग स्टेज है वो 7 से 10 दिन का है। इसके बाद ये लार्वा क्या करता है, लार्वा इंटर करता है, और फिर इसके बाद ये एडल्ट बन जाता है।
ठीक है। तो इसका टोटल लाइफ साइकिल की बात करें तो कितने दिन की होगी, 30 से 40 दिन का इसका टोटल लाइफ साइकिल हो गया। फिर है मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट है जो स्टेबल, स्टेबल मतलब क्या होता है ना कि जो आपने जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद वो उसमें जो ना अवशेष बच जाता है, बहुत सारा अवशेष बच जाता है, तो उस अवशेष को क्या करते हैं हम लोग, उसको हम जला देते हैं, ठीक है, या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, ताकि तो उसी स्टेबल में ही इनका हाइबरनेशन पीरियड होता है, यानी जो डोरमेंसी बोल सकते हैं या हाइबरनेशन पीरियड बोल सकते हैं, इसी स्टेबल में मैंने बोला ना कि प्यूपा स्टेज कहाँ होता है, प्लांट स्टेम में होता है, तो स्टेम को क्या करता है, स्टेम का क्या बनाता है, टनल बनाता है, ऊपर से नीचे तक टनल बनाता है, तो नीचे तक जब जाता है तो नीचे जाहिर सी बात है ये नीचे तक जाता है, तो हम लोग जब कटाई करते हैं तो क्या करते, कहाँ से करते हैं, आधे से करते हैं, तो आधे से करते हैं तो इसका बहुत सारा जो जो स्टेबल होता है, स्टेबल में क्या है ना कि इसका प्यूपल स्टेज नीचे वाले पोर्शन पर चला जाता है, ठीक है। जब नीचे वाले पोर्शन पर चला जाता है तो वहाँ पर बहुत सारा इसका प्यूपा बना रहता है, तो हम क्या करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम उसको उसको क्या करने, बर्न कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी है जिसको हम ये 302, E303, IS225, तो इस तरीके की कुछ वैरायटी हैं जिसको हम ग्रो करना चाहिए, ताकि ये रेसिस्टेंट वैरायटी हैं, इनमें इसका अटैक देखने को नहीं मिलता है। डेड हार्ट है, इसको आसानी से बाहर खींच लेना चाहिए और बाहर जा करके इसको कहीं ना कहीं जो पीट वगैरह होते हैं जिसमें हम मैन्योर वगैरह बनाते हैं, तो या मैन्योर बना सकते हैं या उसको हम जला देना चाहिए या उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। तो इसमें इसमें केमिकल है जिसमें कुछ केमिकल्स हैं, केमिकल का भी इसमें स्प्रे कर सकते हैं, और इसमें कुछ जो कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल में कुछ बायो एजेंट्स भी आते हैं, जैसे ट्राइकोग्रामा चिलोनिस हो गया जो एक पारासिटॉइड्स है, और ब्रेकन चाइनेसिस हो गया, और एपेंटलिस फ्लेविस हो गया जो लार्वल पैरासिटॉइड्स हैं, ऐसे ये हम अगर बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात करें तो बायो कंट्रोल भी बहुत कारगर है और इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें ब्रेकन चाइनेसिस और एपेंटलिस फ्लेविस ये लार्वल पैरासिटॉइड है, और लार्वल स्टेज में ही सबसे ज़्यादा इसका अटैक देखने को मिलता है, तो हम कोशिश करते हैं कि इन्हें जो पैरासिटॉइड्स हैं हम पैरासिटॉइड का भी अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू व्यूअर फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आए, थैंक यू अगेन।